वेलकम इंडिया स्टूडेंट, मैं अविंद कुमार आजाद और हम लोग यहाँ देख रहे हैं एसी का एग्जाम जो हमारा होगा हुआ था 7 जनवरी को, उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 1/1। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसपे देख रहे हैं काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो ऐड है वहाँ पे, जो आपको कैरियर गाइडेंस वगैरह आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफें हैं उसको दूर करने के लिए बहुत काम आएगा यदि आपके पास समय हो तो। यदि आप किट वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो आपके पास समय नहीं होगा, पर यदि आपके पास समय हो तो आपसे आग्रह है कि आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा जब आपकी ज़िंदगी में समय मिल जाए तो। मेरा इंट्रोडक्शन भी है कि मैं एमटेक कर रहा हूँ आप थर्मल इंजीनियरिंग से, बीटेक मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से कर रखा है और मैं साइंस लवर हूँ और इंडियन फिलोसफी वगैरह में, इफिक्स वगैरह में भी मेरा इंटरेस्ट है। इसके रिलेटेड मैं वीडियोज डालता रहता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर तो नहीं डाल सकता, यहाँ पर नहीं बना सकता, एडुकेशनल वीडियो ही बनाना है यहाँ पर तो मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना सकता, तो वो तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पर व्यू मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है, को मुझे जानता नहीं है, सब्सक्राइब भी कोई नहीं करता है, पर आप जाके वहाँ पे देख सकते हो यदि आपको ज़रूरत हो तो। वहाँ देखो किस तरह की वीडियोज ऐड है वहाँ पे, तो वो आप जाके देख सकते हो। ये मैं ज़रूर आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स बना रखा है और क्रैश कोर्स है वो, यानी कि उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले कैसे याद रखना है वो सारा है। और ये सी का जो एग्ज़ाम हुआ है ये, उसमें मैं इसी फार्मूला का जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था इस चैप्टर में, उसी की हेल्प से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी नया थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को, उस थ्योरी से, उस फार्मूले से हेल्प से कैसे सोल्व करना है उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। जिसको अगर आपने नहीं देखा है जरूर जाकर देखें, क्योंकि ये नाम जरूर ये सी लिखा हुआ पर ये गेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप जाकर उसको देखें। देख ही रहे रिव्यू रेटिंग कितना अच्छा शानदार मिला हुआ, सबसे ज़्यादा मेरा देखने जाने वाला ये वीडियो है, सो जरूर देखें। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे हमारा कंसीडर करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट काइनेटिक चेन का ये डिफिनेशन ही लिख दिया है। अगर आपने मेरा टॉम का देखा होगा, टॉम का मैंने पूरा कंप्लीट बना चुका हूँ, मैं टॉम में मैकेनिज्म पर मैं बना चुका हूँ कोर्स, और मैं गियर पर पूरा बना चुका हूँ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम सब बना चुका हूँ। उसमें मैंने काइनेटिक चेन का जो डिफिनेशन लिखा था हु वो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अ काइनेटिक चेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर ज्वाइंट इन सच अ वे डैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कम्प्लीटली कंस्टेंट। तो यही आप मैंने लिखवाया था, हु वह वही कॉपी पेस्ट है, तो इसको आप देख लीजिए ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ काइनेमेटिक पेयर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई द रिलेटिव मूवमेंट। तो ऑब्वियसली यही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफिनेशन होता है, थोड़ा सा घुमा कर लिखा गया है पर ये स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार बी स्टेटमेंट सही है, तो थोड़ा बहुत वो घुमाएगा भी, जरूरी नहीं है कि आपको हूबहू दे दे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आप लोगों को वाइब्रेशन मुश्किल लगता है और मैंने कोर्स भी नहीं बनाया है, वरना मैं तो आपको बताता कि वाइब्रेशन इतना मुश्किल भी नहीं जितना लोग इसको हवा बना के रख देते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये और इसको आसानी से मैं आपको करके दिखाऊंगा भी। यहाँ पर जरूर आपने देख रखे होंगे कि बड़ा सा पता नहीं क्या 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 किया हुआ है, और ये मैंने क्रैश कोर्स बताया था तो उसमें एक आधा फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से ये बच्चे की तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे होगा ये देखिए आप, तो देखिए उसने इक्वेशन दे रखा है उसने वाइब्रेशन का, इस वाइब्रेशन का इक्वेशन को जनरल इक्वेशन जो मैंने बताया था क्रैश कोर्स में, वहाँ पर जाकर देखें आप, उसमें से तुलना करें, ये होता है एम एक्स डबल डॉट और आपका ये होता है सी एक्स और ये आता होता है आपका एस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि कर ले कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें एम से तो ये आ जाएगा एक्स डबल डॉट प्लस आपका सी वाई एम, ये सी वाई एम हो जाता है यहाँ पे सी वाई एम इंटू एक्स डॉट प्लस एस वाई, इसको लिखते जाइए कॉपी पे, एक्स वाई एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मेट उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे हम तुलना करके देख सकते हैं कि सी वाई एम का जो वैल्यू आ रहा है वो 9/4 के बराबर आ रहा है और आपका एस वाई एम का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 16/4 के बराबर आ रहा है, जो कि अजी जो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है 16/4। 16/4 देखो कुछ चीज़ें तो लिखी गई है, 16/4 जो 4 के बराबर आएगा उसको ओमेगा स्क्वायर के बराबर लिखा गया, ओमेगा जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो 2 निकाल के लाया गया है, तो चलो इतना तो ठीक है, पर इसको उसने इतना बड़ा लिख दिया, इसके ऊपर तो हम सीधे सी वाई एम लिखेंगे। और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशियंट का फॉर्मूला ही दे चुका हूँ, 2m ओमेगा, ये मैंने आपका फॉर्मूला ही दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देखें, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बार बार आता रहता है, तो मैंने इसका सिंपल फॉर्मूला बनाया, सिंपल बॉल फॉर्मूला बना के आपको याद करवा दिया था, तो वही आप याद रखिए, लिख लीजिए कोई पर सी सी इक्वल टू, यदि आप नहीं लिखा है तो 2m ओमेगा
एन यानी कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे टू की जगह पे टू तो रहेगा ही, एम की जगह पे आपको दिख ही रहा है चार जो यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, ये इनर्सिया फोर्स ही एक्चुअली है। ये आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ही टर्म है, डबल एक्स का डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो आ जाता है आपका एक्सेलरेशन ही। तो वो फोर से मल्टीप्लाई है, तो फोर से मल्टीप्लाई है तो फोर और कुछ नहीं मास ही है, मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो इंटू फोर लिख लो, और ये आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ गया। नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितना था, दो, तो चार दुनिया आठ दुनी 16, 16 आंसर हो गया। देखिए 16 आंसर हो गया, 16 आंसर टिक कीजिए और मजे लीजिए। तो आपको इतना अजीबो गरीब झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं था, आप आसान से मेरा वाला फॉर्मूला मेरा याद रहता, आपको तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक आसानी क्वेश्चन था, ये भी मैंने कहा था कि आप देखो इसी जगह से क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पे आप ध्यान कम देते हो, बहुत बड़े बड़े चीज़ें पढ़ के जाते हो, ये सब चीज़ें छोड़ के जाओगे, वहीं पे क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे। देखिए क्या है, द मास ऑफ ए सिंगल डिग्री डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम, वाइब्रेशन सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसने कहा है वाइब्रेशन सिस्टम इज 7.5 kg एंड इट्स मेक्स 24 फ्री ऑक्सीलेशन इन 14 सेकेंड व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम द इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन रिड्यूस टू 0.25 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू आफ्टर 5 ऑक्सीलेशन, देन द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट विल बी। तो पहले तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट अगर आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जाइए सबसे पहले, तो मेरा मैंने बनाया नहीं है इस पर कोर्स, पर मैंने क्रैश कोर्स में इसके ऊपर इसका फॉर्मूला डिस्कस किया है। ये होता है जो डिक्रीमेंट होता है, ये देखिए आपका कि 5 में वो डिक्रीमेंट हुआ है, 5 वाइब्रेशन के बाद वो डिक्रीमेंट हो गया इतना का, पता नहीं ऊपर इतना सारा चीज़ जो आपको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था, पर फिर भी ठीक है ऊपर क्या, आप इतना तक आप देख लेना। इतना मैं भी दिखा देता हूँ कि उसने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे पढ़िए आप, 0.25 डिक्रीमेंट होता है ये, और डिक्रीमेंट कितने टाइम में होता है, ये 5 फ्रिक्वेंसी 5 ऑक्सीलेशन के बाद होता है, तो हर एक बार में थोड़ा थोड़ा कम रहा होगा। तो ये देखिए जो थोड़ा थोड़ा कम तक पाँचवा बार में जो फर्स्ट से हम उसको पाँचवा को डिवाइड करेंगे जो एम्पलीट्यूड आया है उसके बीच, तो 0.25 के बराबर है। उसको उलट के हम लोगों ने लिख लिया क्योंकि हमारे जो आता है डेल्टा वो हमको इसी टर्म में आता है, इसी से हमको निकालना आता है, x0 by x1 x, बस ये करते हैं हम लोग इस टर्म में, हमने कर दिया इसको उलट के लिख दिया क्योंकि हमारा डिक्रीमेंटर इस तरह चलता है कि x0 by x1, पहला बार में इतना डिक्रीमेंट हुआ, दूसरा बार में x1 by x2 होगा, x2 x3 आएगा, इस तरह से हम डिक्रीमेंट कर लिया हमने और 4 के बराबर आया। ये सबको हम अगर ये सभी जो है डेल्टा के बराबर ही होता है, डेल्टा डेल्टा के बराबर डेल्टा के बराबर, इस प्रकार से हम लोगों ने ई किया तो ये ई पावर आ गया 5 डेल्टा के बराबर ही है। ये सभी को हमने अगर हम सभी को ई डेल्टा ई डेल्टा करते चले जाएंगे तो ये अब जाएगा आपका ई टू पावर 5 डेल्टा के बराबर, और ये 4 के बराबर है। तो ये डेल्टा और कुछ नहीं, यही है आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। इस ये डेल्टा को हम निकालने के लिए हम लोग कर लेंगे ln 4 कर लेंगे, और ln 4 करके 1/5 कर देंगे। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसमें से कुछ भी था इतना ही तो करना था आपका, बाकी तो ऊपर क्या नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 89 में। 89 क्या है, अ 20 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग विच डिफ्लेक्ट 15 mm अंडर इट्स लोड, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशियंट टू मेक द मोशन अप पीरियोडिक विल बी। देखो मुश्किल जरूर करने की कोशिश किया है, पता नहीं ये सब क्या लिखा हुआ होगा और तुमको समझ में नहीं आएगा कि करें तो करें कैसे करें। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली क्वेश्चन में भी थोड़ा सोचने के लिए है, पर अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। मास उसने दे दिया, डेल्टा उसने खुद ही दे दिया है, कितना उसमें डिफ्लेक्शन है उसने भी खुद ही दे दिया है डिफ्लेक्शन, बचा ही कुछ नहीं इसमें, तो डिफ्लेक्शन दे दिया है। डिफ्लेक्शन को तो mg/s होता है भाई, स्प्रिंग के एक्स इक्वल तो जानते ही हो आप लोग, के एम जी के मतलब जो फोर्स लगता है वही बराबर होता है। स्प्रिंग फोर्स कितना लगाता है, एफ अगर स्प्रिंग फोर्स निकाल रहा है तो के एक्स के बराबर लगाता है, वही किया हुआ है, इतना फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा ये उसने स्प्रिंग के कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया है, तो आपका डेल्टा निकल के आ गया है। तो यही डेल्टा निकल के आ गया है, तो डेल्टा निकालिए आप mg/s, और अगर डेल्टा अगर दे दिया है तो एस निकल के आ जाएगा, एस निकल के आ गया आपका। उसके बाद ये जानते हैं आप 2 ζ ω n = c/m होता है, यही तो लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चन में भी, देखिए यही सब चीज़ें लिखा हुआ था जो हम इसको बता रहे थे, इसको बता रहे थे c/m, और इसी को लिख रखा 2 ζ ω n, तो दोनों इक्वल ही होता है इसलिए लिख रखा है वहाँ पे, तो उसने उससे किया था, मैंने c/m से बताया था, आसानी से हो गया।
उसने यही देखा है। सिवाय यहाँ पे भी देखो, अगर क्रिटिकल की कंडीशन है, क्रिटिकल डैम्पिंग उसने पूछा ही है क्वेश्चन में, क्रिटिकल डैम्पिंग लिख दिया था उसने, क्रिटिकल डैम्पिंग। तो क्रिटिकल डैम्पिंग तब होता है जब जीटा आपका 1 के बराबर हो जाता है, तो सी आपका सी सी के बराबर हो जाता है, यानी क्रिटिकल के बराबर आ जाता है वो, क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशियंट के बराबर हो जाता है वो। तो बस जीटा इक्वल टू 1 रखिए और सी के जगह सी सी रख दीजिए। इस फॉर्मूला में रख दिया आपने सब चीज़ रख दिया, तो देखो यही फॉर्मूला मैं बता रहा था वहाँ पे, सी सी इक्वल टू क्या आ गया, 2 mω n। तो मैं तो कहता हूँ इसी को रट के रखो, यही वजह से ड्राइव भी हो गया यहाँ पे। तो ये डेरिवेशन किया है, तो इतना समय तो आपके पास एग्जाम में रहेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको याद रखिए। ये याद रखिएगा तो बस बचा ही नहीं कुछ उसमें, तुम m तो उसने क्वेश्चन में दे ही रखा है, और ω n नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना जानते ही हो, रूट ऑफ g/δ। ये पता नहीं स्प्रिंग ये s भी क्यों निकाला है, s भी निकालने का आपको जरूरत नहीं था, आपको सी सी बस इतना करने की जरूरत थी आपको, और आपका आंसर आ जाता है, बस इतना करने की जरूरत था। सी सी का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, उसने m दे रखा, ओमेगा n तुम निकाल ही सकते हो, ओमेगा n तुम्हारा फॉर्मूला तो होता ही है, आपने पढ़ा होगा रूट ऑफ g/δ। जी तो आप जानते ही हो, डेल्टा भी उसने क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो डायरेक्ट आंसर ठोकते हैं, तो इतना बस करना था आपको फटाक से। ये भी क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं था, इसको भी किया जा सकता था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है। टॉम मैंने चूंकि वाइब्रेशन पढ़ाया नहीं है, और चूंकि मैंने क्रैश कोर्स में भी सिर्फ फॉर्मूले को दिखाया था, तो ये थ्योरी है, ये आप जानते ही है, सिंपल सी थ्योरी है। वेल्डिंग जो होता है आपका शाफ्ट का, उसमें क्या होता है, तो देखिए क्या है, द वेल्डिंग क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ शाफ्ट, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट जो होता है वो आपका इज दैट रोटेशनल स्पीड एट विच द शाफ्ट सो रन दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंड टू बिकम इनफाइनाइट। बिल्कुल सही है, वेरिएबल स्पीड यही होता है कि उसमें एम्पलीट्यूड, मैंने बार बार, मैं जरूर कोर्स में नहीं बताया पर बार बार इसका जिक्र किया हूँ कि अगर फ्रिक्वेंसी जो होता है अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाता है, ओमेगा एन के बराबर हो जाता है, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ अपने कोर्सेज में, तो ये सही स्टेटमेंट है, जो मैं बोलता रहता हूँ वो आता भी रहता है, इसलिए मैं वीडियो कहता हूँ देखिए आपको क्वालिटी क्वालिटी बड़ा सा बढ़िया सा भाई मेरा, मुझे वेरीफाइड एडुकेटर नहीं बना रहा है ना अकेडमी, क्योंकि मेरे जो वीडियो होते हैं उसमें एकदम वो उस तरह से PDF बना के बढ़िया से वो सा नहीं बनाया रहता, मेरा हैंड रिटन नोट्स रहता है, इस कारण से मुझे वेरीफाइड एडुकेटर नहीं बना रहे हैं वो लोग, तो उसको चाहिए एकदम बढ़िया से बना हुआ डिजाइनिंग कहाँ से लाया जाए, पढ़ाया जाए आदमी पढ़ाए आदमी, इसलिए डिजाइनिंग बना बना के ही अपना वीडियो चमका रहे हैं, और मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं है, मुझे पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस रहता है दिखावा करने के बजाय। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तो क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ शाफ्ट व्हेन द शाफ्ट कैरिज अ पॉइंट लोड और अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ सच लोड। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है आपका कि क्रिटिकल स्पीड भाई क्या डिफिनेशन ही दे रखा है कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर जाता है, सब कुछ वही चीज़ दे रखा है, जो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही जगह है, एक ही चीज़ में सब चीज़ आ गया जो मैंने बताया, उसी से सारा एक्सप्लेन हो रहा है। थर्ड में चलते हैं, द वेल्डिंग ऑफ द शाफ्ट रिजल्ट फ्रॉम कॉज सच एज मास अनबैलेंस हिस्ट्रिस्टिक डैम्पिंग इन द शाफ्ट जायरोस्कोपिक फोर्स, न जाने क्या क्या ला दिया, जायरोस्कोपिक फोर्स भी आ गया है इसमें, हिस्टेरेसिस डैम्पिंग भी आ गया है, ये सब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, उसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन भी आ गया, क्या ये सब नाम भी सुने हो, ये सब वेल्डिंग ऑफ शाफ्ट में कभी नाम भी सुने हो सब चीज़ों का, तो क्यों उसको सही कर रहे हो, आलतू फालतू चीज़ भी कुछ भी लिख दिया है, उसको हम कितना मैं समझाऊँ, कुछ भी लिख देगा तो सही तो हो नहीं जाएगा, वो गलत ही होगा। तो आपका एक और दो ही सही है, तीसरा आपका गलत है। तो चलिए इस लेसन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, रिकमेंड करें, रिव्यू दें, रेटिंग दें, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और शेयर करना दोस्त बिल्कुल मत भूलिए, मुझे 5 रेटिंग भी बिल्कुल देना मत भूलिए, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो 5 रेटिंग दे के ही बढ़िए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए इसके बारे में, आप लोग जो साइलेंटली पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा साइलेंटली से थोड़ा सा और बढ़ाइए, और लोगों को बताइए कि भाई पैसा बर्बाद करने की आपको बहुत ज़रूरत नहीं है, यदि आप गांव देहात में रह रहे हैं, आपके पास सुविधाएं बहुत, बच्चे हैं जिसको सुविधाएं की कमी है, तो उसकी थोड़ी सी मदद कीजिए, आप लोग समाज सेवा कीजिए।